तो सारा यहाँ से जो धागा वगैरह ये सब निकला हुआ है, नया देना चाहिए था ना, हमने तो पैसा नया का दिया था राइट, लेकिन ये बजते बजते खुद को ये बजा गया क्योंकि मैं ऑक्सीजन ही नहीं ले पा रहा भाई। ऑलराइट गाइस, हमने बहुत सारे गैजेट का वीडियो अमेज़न से किया है, फ्लिपकार्ट को तो मानते ही नहीं है कि यहाँ से गैजेट भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने तो कब मतलब आई थिंक किया ही नहीं है। सो आज फाइनली मैं सोच रहा था फ्लिपकार्ट से गैजेट ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और आपके सामने सारी चीज होगा, ऑर्डर करेंगे फिर रिव्यू करेंगे और अपना फाइनल कंक्लूजन देंगे कि फ्लिपकार्ट से क्या आप गैजेट ऑर्डर कर सकते हो या नहीं, मतलब कंडीशन किस तरह से आता है, क्या होता है। लेकिन गाइस इससे पहले एक चीज बता दूं, इस तरह का वीडियो बनाने में काफी समय जाता है, लगभग एक हफ्ते लग जाते हैं एक वीडियो के बनाने में। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आता है तो। और गाइस ये वीडियो किसी तरह से स्पॉन्सर नहीं है। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पे आते हैं एंड गैजेट ढूंढना शुरू करते हैं। तो गाइस बहुत देर रिसर्च करने के बाद मुझे फ्लिपकार्ट पे दिखे 6 ऐसे प्रोडक्ट, यानी गैजेट बोलो या प्रोडक्ट बोलो, दिखे जो मुझे काफी अच्छे लगे और प्राइस भी ठीक ही है। तो सबसे पहला जो गैजेट है ये है फिजेट स्पिनर वाला पेन, और इसका प्राइस है 551 रुपया, तो मैंने इसे बाय कर लिया। सेकेंड है अम्ब्रेला, बट ये ऐसा वैसा अम्ब्रेला नहीं है, ये है बनाना वाला अम्ब्रेला। अब ये कौन सा होता है वो आपके सामने जब अनबॉक्सिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका प्राइस है 560 रुपया। देखो प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। थर्ड जो प्रोडक्ट है ये एक लैंप है, अगर आप स्टडी या वर्क करते हो आपको पर्टिकुलर लाइट चाहिए उसी प्लेस पे, तो ये काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ऐसा वैसा तो मैं ऑर्डर नहीं कर सकता, कुछ और भी फीचर होना चाहिए। इसमें आपको मिलता है लैंप के साथ वायरलेस चार्जिंग, और इसका प्राइस है 760 रुपया, पोट्रॉनिक्स की तरफ से आता है, तो मैं इसे बाई कर लिया। फोर्थ यहाँ पे है, अपने नाक को सेफ देना चाहते हो तो ये गैजेट आता है 214 रुपये का, तो मैंने इसे बाई कर लिया। फिफ्थ जो गैजेट है ये है एक बॉयलर। अब आपको एग अगर बॉयल करना है तो दो तीन ऑप्शन है, कुकर में कर सकते हो या किसी भी यूटेंसिल में कर सकते हो, बट प्रॉपर एक आता है एक बॉयलर, तो मैंने इसे बाई कर लिया 400 रुपये में। और लास्ट है गाइस रीफर्बिश्ड एक ब्लूटूथ स्पीकर। देखो अब रीफर्बिश्ड फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है और अमेजोन पे आपको रीन्यूड करके मिलता है। तो अमेजोन का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था किस तरह क्वालिटी हमारे पास आया था साउंड बार का, अगर आप मेरा रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा। तो ये है फ्लिपकार्ट का रीफर्बिश्ड एक ब्लूटूथ स्पीकर जो 8 वाट का है। इसका जो कंडीशन है ये अनबॉक्स्ड लाइक न्यू है, यानी लगभग लगभग न्यू जैसा ही होगा, तो 650 रुपये का था, तो मैंने इसे बाय कर लिया। ऐसे में आपको बता दूं फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा रीफर्बिश्ड प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं, अमेजोन पे थोड़ा ज़्यादा है, फ्लिपकार्ट पे थोड़ा सा कम रहता है, तो इससे एक आइडिया लग जाएगा कि इसका रीफर्बिश्ड प्रोडक्ट भी कैसा है, तो ये सब भी आपको आइडिया लगने वाला है, तो काफ़ी अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे गाइस फाइनली 6 बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट और गैजेट ऑर्डर कर दिए। अब बस इंतजार की घड़ी शुरू होती है, जैसे ही मेरे पास सारा प्रोडक्ट आता है फिर आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस 6 दिन गुजरने के बाद हमने जो फ्लिपकार्ट से गैजेट ऑर्डर किया था ये सभी सही सलामत हमारे पास आ गया है। अब देखते हैं ये अंदर से कितना सही सलामत है और कितना यूजफुल होने वाला है ये सभी गैजेट। तो सबसे पहले इस वाले डब्बा को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या निकलता है। एक्चुअल में मुझे भी पता नहीं है कि किसके अंदर क्या रखा हुआ है। ओके, और इसके बाद एक आपको पावर केबल मिलता है जो माइक्रो यूएसबी है, एंड इसके बाद एक हमें यूजर मैनुअल और ये वारंटी कार्ड है, काफी लाइट वेट है। सबसे पहले इसका कंडीशन देखें तो कंडीशन कहीं से भी पुराना नहीं लग रहा है, पूरा नया का नया है, एंड कहीं पे स्क्रैच और डेंट भी नहीं है। अब जो इसके साथ आपको माइक्रो यूएसबी केबल दिया गया है इसे आपको अपने चार्जर के अडेप्टर में लगाना है, और फिर इसे आपको पीछे से यहाँ पे माइक्रो यूएसबी में लगाकर पावर दे देना है। अब ऑन करने के लिए आपको पीछे यहाँ पे टच के लिए दिया गया है, इसे आपको प्रेस नहीं करना है, जस्ट आपको टच करना है। टच करते ही यहाँ पे सबसे पहले वार्म लाइट आएगा जो काफ़ी ब्राइट है, सेकेंड में आपको व्हाइट कलर का लाइट आएगा, और थर्ड थोड़ा डीम आएगा, एंड फोर्थ में से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इस तरह से बनाया गया है, और इसे आप जैसे चाहो वैसे आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऊपर करके करना है, नीचे करके पढ़ना है, या ऐसे करके पढ़ना है, या ऐसे करके पढ़ना है, दाएं बाएं इधर उधर सब जगह आप कर सकते हो, काफी फ्लेक्सिबल है। एंड यहाँ पे जो ये पैर दिख रहा है यहाँ पे आप वायरलेसली अपना फोन चार्ज कर सकते हो, और जो पावर आउटपुट है ये 5 वाट, 7.5 वाट और 10 वाट है। तो 10 वाट मेरा फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा था, बट आपका हो सकता है नहीं करेगा। ओके, और जो थर्ड है इसमें अपना पेन वगैरह रख सकते हो, जब आप स्टडी कर रहे हो या काम कर रहे हो तो पेन होल्डर होना भी जरूरी है, आराम से इसमें पेन डालो, फोन भी चार्ज करते रहो और पढ़ाई भी करते रहो, तो काफी अच्छा है, प्राइस भी काफी अच्छा है और प्रोडक्ट भी सच में काफी अच्छा है। तो गाइस अब इस डब्बा खोलते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा वेट है आई थिंक, देखते हैं क्या है। आप गेस कर लियो तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, वीडियो आगे देखे बिना चीटिंग मत करना। अब गाइस रिन्यूड है तो यहाँ पे कोई भी सील नहीं रहेगा,
जस्ट यहाँ पे टेप एक लगाया गया है, देखते हैं कंडीशन कैसा है। तो सबसे पहले मुझे मिला यहाँ पे ऑक्स केबल, ऑरेंज ऑरेंज है। इसके बाद एक माइक्रो यूएसबी केबल एंड ये हमारा स्पीकर है। यार दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, JBL जैसा लग रहा है, सस्ता JBL। और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है। तो गाइस सबसे पहले इसका कंडीशन देखते हैं किस तरह कंडीशन में हमारे पास आया है, क्योंकि ये एक रिफर्बिश प्रोडक्ट है एंड यहाँ पे स्क्रैच और डेंट वगैरह देखना पड़ेगा। रबर पैड का प्लास्टिक भी नहीं हटाया गया है, जो रैप किया रहता है ये भी नहीं हटाया गया, तो ये पूरी तरह से अभी नया ही है। और इसके बाद ये सही प्रॉपर है, कहीं पर कोई भी डेंट भी नहीं है और स्क्रैच भी नहीं है। क्वालिटी तो सच में काफी अच्छा हमारे पास आया है। तो चलो इसमें गाना सुनते हैं और देखते हैं कितना अच्छे तरीके से बजता है। पावर ऑन किया मैं ये। डोंट वरी, इस बार मैं सॉन्ग चेंज कर देता हूँ, बोर नहीं करूंगा। ओके Honest guys, इसका जो साउंड है ये बहुत ही सस्ता वाला साउंड लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है ये जो 100-200 का जो स्पीकर आता है ना, कुछ वैसा साउंड है। लुक वाइज तो मुझे लग रहा था ये बहुत ही तगड़ा बजेगा, लेकिन ये बजते बजते खुद को ये बजा गया, मतलब कुछ भी। तो यहाँ पर जैसा पोर्ट्स एंड बटन है, वॉल्यूम को आप रेज और डाउन कर सकते हो, मोड चेंज कर सकते हो, पावर ऑन ऑफ कर सकते हो, इंडिकेटर लाइट दिया गया है। और पोर्ट्स में यहाँ पे बहुत सारा चीज है, ऑक्स के लिए चार्जिंग पॉइंट है, मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, और यहाँ पे यूएसबी के लिए भी बनाया गया है। अब एक बार इसे चार्ज करके देख लेते हैं ये चार्ज होता है या नहीं होता है, क्योंकि जब रिफर्बिश प्रोडक्ट होता है तो थोड़ा ये सब का इशू रहता है, तो ये सब आपको भी चेक कर लेना चाहिए अगर आप कोई भी रिफर्बिश प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो। तो गाइस स्पीकर तो चार्ज हो रहा है तो चार्जिंग में कोई इशू नहीं है, लेकिन गाइस इसका जो साउंड है यही मुझे पसंद नहीं आया। 600 से 700 में आपको अच्छे अच्छे स्पीकर मिल जाएंगे, जो 5 वाट का स्पीकर होता है लेकिन साउंड काफी तगड़ा होता है। ये 8 वाट का स्पीकर है और लग रहा है ये 2 वाट के स्पीकर के बराबर काम नहीं कर रहा है, इतना गंदा इसका बेस और साउंड है। हाँ लुक वाइज तो आपको पसंद आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, देख सकते हो। थर्ड बॉक्स ओपन करने का टाइम आ गया है। ओके, सेफ्टी का काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है, देख सकते हो मस्त कागज वगैरह मस्त भर भर के बॉक्स में रखा गया था ताकि खराब ना हो जाए। बॉक्स तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। ये क्या है? ओ इंटरेस्टिंग। अच्छा मुझे करना पड़ेगा, डोंट वरी। ओ नो, मेरे छाता में तो यहाँ पे देख सकते हो होल है। फिर इसमें से तो पानी मस्त टप टप गिरेगा मेरे ऊपर, क्या बात है। पकड़ने के लिए मस्त यहाँ पे है। और अम्ब्रेला का क्वालिटी जो है गाइस देख सकते हो बहुत ही गंदा है। ऐसा लग रहा है ये जो अम्ब्रेला है इसे यूज किया गया है और फिर मेरे पास आया है। एज यू कैन सी यहाँ पर ये सब आप देख सकते हो, अगर आप बारीकी से देखोगे तो ये सारा यहाँ से जो धागा वगैरह ये सब निकला हुआ है। और इसके बाद ये काफ़ी गंदा सा स्मेल भी आ रहा है इसमें से, ये तो आपको पता नहीं चलेगा, ये मुझे पता चल रहा है एक्चुअली में। यहाँ पे ये देखो, इसका भी क्वालिटी से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसे यूज किया गया है। और यस लिटरली गंदा तो है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट दिखा मुझे ये अम्ब्रेला मस्त बनाना के अंदर, क्या बात है। कंसेप्ट तो बहुत ही अच्छा है लेकिन क्वालिटी थोड़ा सा गंदा है इसका, और मुझे बदबू आ रहा है यार। 200 रुपये दे और 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के वजह। अब बड़े वाले के बाद छोटा वाला पॉकेट भी ओपन कर लेते हैं। ये हमारा है फिजेट स्पिनर वाला पेन। ये गाइस काफ़ी नया है, देख सकते हो कहीं पे कोई भी स्क्रैच और डेंट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एंड यहाँ पे कुछ इस तरह की क्वालिटी में है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई छोड़कर आप इसे नचाना शुरू कर दोगे। गाइस देख सकते हो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ये पेन तो। ये पेन ऐसा है कि पढ़ोगे कम और खेलोगे ज़्यादा आप इससे। इस पेन का यूज आप 3 तरह से कर सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये एक टॉर्च है, इससे आपको खेलना नहीं है लेकिन आप खेल सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगता है इसे नचाते समय। अब ये एक बॉल पेन है तो आपको रोटेट करके इस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हो और फिर कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हो। और थर्ड तो आपको पता ही है, मजे के लिए भी यूज कर सकते हो, मस्त ऐसे नचाते रहो। कंसेप्ट तो काफ़ी अच्छा है बट इसका जो प्राइस है ये ज़्यादा है, 550 रुपये का आई थिंक ये है। और इतना में तो बहुत सारी चीज़ आ जाएगा यार, मतलब प्राइस वाइज तो बिल्कुल अच्छा नहीं है लेकिन मजे करने के लिए तो अच्छा है। फिजेट स्पिनर आराम से आप ले सकते हो, 100-150 के राउंड में आ जाएंगे। और पेन आप 5-6 रुपये का खरीद सकते हो और फिर टॉर्च भी 10 रुपये का मिल जाते हैं। अब ये कौन सा डब्बा है, मुझे कट करने में काफ़ी मज़ा आता है। ये हमारा एक बॉयलर है गाइस, देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पैकिंग किया गया है ताकि ये टूट ना जाए, इसलिए इतना सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। ये सब कांच का आइटम है तो थोड़ा सा रहता है ऐसे। एक यूजर मैनुअल है। ये फ्लिपकार्ट का ही एक सब ब्रांड है, फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय करके है, देख सकते हो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन भी है।
क्वालिटी का बात करूँ तो कुछ इस तरह क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। प्राइस वाइज हम देखें तो क्वालिटी में मुझे कोई भी कमी नहीं लग रहा है। प्लास्टिक का है, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का यूज किया गया है, ये सब प्लास्टिक है। गाइस ये जो एक बॉयलर है इसमें सिर्फ आप एक बॉयल नहीं कर सकते हो, एक यहाँ पे स्टीम भी कर सकते हो और एक आप फ्राई भी कर सकते हो। क्या बात है, तीन काम एक ही में हो जाएगा। जस्ट इसे आपको निकालना है, यहाँ पे आपको पानी डालना है, कप दिया गया है, आपको ग्लास का यूज नहीं करना है। यहाँ पे सारा मेजरमेंट भी लिखा हुआ है कितना ml आपको पानी डालना है, अपने हिसाब से यहाँ पानी डालना, ओके। और इसके बाद ये जो आप होल देख रहे हो ये बड़ा वाला, इसमें 7 एग आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और इस सब में से स्टीम निकलेगा। एंड इसके बाद कुछ ऐसे रख देना है, फिर ऊपर से कैप लगा देना है, इसे पावर में लगा देना है और फिर मस्त आपका एग बॉयल हो जाएगा। और मन है एग को फ्राई करने का, इस सबको निकाल दो। और ये जो देख रहे हो ना सरफेस, यहाँ पर आप ऑमलेट वगैरह बना सकते हो। अब जो लास्ट गैजेट है ये आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि सारा हमने आपको दिखा दिया है और लास्ट यही बचा हुआ है। आइडिया तो लग ही गया होगा, ये क्या है गाइस, इसे आप नाक में लगा तो लोगे और आपका नाक चलो एक टाइम के लिए खड़ा भी हो जाता है, लेकिन आप ये नाक खड़ा देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि मैं ऑक्सीजन ही नहीं ले पा रहा भाई। तो फाइनली गाइस बात करते हैं मुद्दे का, क्या आपको फ्लिपकार्ट से गैजेट ऑर्डर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखो फ्लिपकार्ट से आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना किस तरह का गैजेट आप बाय कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर ये फोटोनिक्स की तरफ से जो लैंप है ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी में हमारे पास आया है, पूरा नया है, कुछ भी यहाँ पे खराबी नहीं है इसमें, तो ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अब ये जो रिफर्बिश्ड है तो देखो कंडीशन अच्छा है, अब ये प्रोडक्ट ही ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, साउंड बहुत ही खराब था लेकिन कंडीशन जो है रिफर्बिश्ड का ये मुझे काफ़ी पसंद आया है। इसके बाद ये जो एक बॉयलर है इसका प्राइस भी अच्छा है और काम भी इसका अच्छा है। इसके बारे में तो आपको पता ही है क्या है ये, क्यों है ये, यस। तो ये काफ़ी वाहियात गैजेट है, इसे तो आप बिल्कुल भी बाई मत करना। एंड इसके बाद ये जो अम्ब्रेला है, मस्त अम्ब्रेला हमें गंदा भेजा गया है फ्लिपकार्ट की तरफ से, ताकि मैं बारिश में जाकर इस अम्ब्रेले का यूज करूँ और इस पर बारिश का पानी पड़े और ये मस्त धुल कर नया हो जाए। देखो कितना ख्याल रखता है हमारे लिए फ्लिपकार्ट, आप बाहर जाओ थोड़ा एक्टिविटी करो, बारिश में नहाओ और अम्ब्रेला को साफ कर लो। गाइस मजाक से हटकर ये जो अम्ब्रेला है ये गंदा है तो नया देना चाहिए था ना, हमने तो पैसा नया का दिया था, राइट। और लास्ट ये फ्यूजेट स्पिनर वाला पेन जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, बट इसका जो प्राइस है ये थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसे आप बाई भी करो। तो ऑल राइट गाइस, आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, माइंड में कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और आपको इस तरह का वीडियो देखना अच्छा लगता है प्लीज़ इन्वेंसर डिस्ट्रॉयर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। मिलता हूँ आपसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।